दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेडल यूजेस फॉलोइंग अप्लायंसेस एट होम. मिनल है अपने घर पर इन चीजों को यूज करती है. रेफ्रिजरेटर ऑफ रेटिंग 400 वॉट फॉर 24 आवर्स. 24 घंटे के लिए 400 वॉट का ही रेफ्रिजरेटर यूज करती है. टू इलेक्ट्रिक फैन ऑफ रेटिंग 80 वॉट ईच फॉर 8 आवर्स. थ्री इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ रेटिंग 18 वॉट फॉर 8 आवर्स एवरी डे. तो कह रहे हैं कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ इफ वन यूनिट ऑफ 4 रुपीस. तो अगर एक यूनिट 4 रुपीस का है तो आप एक महीने का बिल बताओ कितना है. तो ध्यान दीजिए यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है. यूनिट इक्वल टू आंसर है ये यूनिट इक्वल टू पावर अपॉन 1000 इनटू टाइम. और टाइम किसके लेना है आवर्स में लेना है. ये हमारा साल यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो जरा ध्यान दो पहले आपने रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेटर के लिए पावर कितना यूज कर रहा है भाई 400 वॉट. और ये पावर यहाँ जो लिखोगे ये पावर हमारा होगा पी ये वॉट में होगा. ध्यान देना किसमें होगा पावर वॉट में. टाइम किसमें होगा आवर्स में अपॉन मंथ. इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं किलो वाट आवर. क्या बोलते हैं किलो वाट आवर. तो किलो वाट आवर को क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं. तो खैर आपके यूनिट के लिए या किलो वाट आवर के लिए पावर कितने यूज कर रहा है पहले वाले में रेफ्रिजरेटर 400 वाट. कितने टाइम के लिए 24 आवर्स. तो कितना यूनिट यूज करेगा भाई यूनिट इक्वल टू पावर कितना है 400 टाइम कितना है 24 आवर्स अपॉन 1000. तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया 44 जा 16 42 जा 8 9 और 10 से डिवाइड है डिवाइडेड बाय 10 तो 9.6 यूनिट आएगा नंबर 2. अच्छा ध्यान दीजिए 9.6 कितने दिन के लिए एवरी डे. एवरी डे क्योंकि जो हिसाब दिया गया है ये एवरी डे का हिसाब है. 24 घंटे रोज चलता है रेफ्रिजरेटर दिन भर चलता है 24 घंटे सबका ही चलता है. तो फॉर 30 डेज एक दिन में अगर इतनी यूनिट है तो 30 डेज में कितनी यूनिट होगी 30 इंटू 9.6 36 या 18 और 39 या 27 और 128. तो ये आ गया डेसिमल यहां पर यूनिट. तो 28.8 यूनिट की एक मंथ में यूज करते हैं. ठीक है 38.8 यूनिट ये मंथली यूज करते हैं सब करते हैं. ठीक है अब हम आते हैं ये रेफ्रिजरेटर का हो गया ध्यान दीजिए. अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है टू इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ रेटिंग. तो टू इलेक्ट्रिक फैन तो पावर कितना होगा. एक इलेक्ट्रिक फैन का 80 वाट है तो दो इलेक्ट्रिक फैन का 82 वाट कितना हो गया 160 वाट हो गया. टाइम कितना है तो कहते हैं टाइम है 8 आवर्स. टाइम हमारा 8 आवर्स मतलब ये पर डे 8 आवर्स यूज करते हैं दोनों फैंस को. और एक फैन का पावर है 80 वाट. कितना पावर है 80 वाट. ठीक है तो इस पर ध्यान दीजिएगा. तो यूनिट कितना यूज किया इन्होंने एक दिन में. यूनिट पावर 160 टाइम 8 आवर्स अपॉन 1000. तो 1000 की 0 से 0 यहां कैंसिल कर दिए तो 86 या 128 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या आ गया 100 से डिवाइड करोगे तो 1.28 यूनिट आ गया फॉर 30 डेज. 30 डेज तो कितनी यूनिट आएगी 30 इनटू 1.28 दिया जाएगा
कितनी यूनिट हमारी आ गई एक मंथ 30 डेज भी चाहिए जब एक मंथ की बात करें तो 31 डेज काउंट नहीं करते वी विल काउंट ओनली 30 डेज अब आते हैं थर्ड पर ध्यान दीजिए थर्ड पर आते हैं थ्री इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑपरेटिंग एट टी तो एक ट्यूब की जो क्या बोलते हैं पावर है वो 18 है तो 3 का कितना होगा 18 इनटू 3 तो 18 3 जा 54 वाट इतना यूज कर रहे कितने देर के लिए रोज 8 घंटे आप जलाते हो तो यूनिट कितना हो जाएगा यूनिट इक्वल टू पावर 54 वाट 8 आवर्स के लिए डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना हो गया इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आ गया इतना फॉर 30 डेज फॉर 30 डेज तो ये आ गया 30 × 0.432 तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 और आ गया 3 decimal तो टोटल यूनिट हमारा हो गया 1 month का 28.8 plus ऊपर लिखा हुआ है 3.84 plus 1.296 1.296 तो ये हमारा almost आता है 1.28 ठीक है और ये आ गया 0.43 ये हमारा आ जाएगा लगभग 339.36 ये ऑलमोस्ट आएगा हमारा 28 331 और 32 और कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेते हैं तो खैर कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए ये समझ में आई गया होगा ये 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 30 ये आ जाएगा हमारा 288 ये हो गया 288 अब ध्यान दीजिए सेकेंड टू इलेक्ट्रिक फैंस 80 वाट एक इलेक्ट्रिक फैन 80 वाट का है दो इलेक्ट्रिक फैन कितना होगा 160 वाट कितने टाइम 8 आवर्स तो यूनिट कितना होगा एक दिन का एक दिन में 8 आवर्स है यूनिट पावर इनटू टाइम घंटे में अपॉन 1000 डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा लेकिन ये एक दिन का है हमें एवरी डे का भी चेंज होगा एवरी डे एक दिन 30 डेज का कितना होता है इसे मल्टीप्लाई करते हैं कितना है थर्ड में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ रेटिंग तो एक ट्यूब का 18 वाट है तो 3 ट्यूब का कितना होगा 54 वाट टाइम कितना 8 आवर्स तीनों ट्यूब लाइट 8 आवर्स को जब तो पावर कितना कंज्यूम करेंगे सॉरी यूनिट कितना बनाएंगे तो 54 वाट टाइम आवर्स में डिवाइड बाय 1000 या 0.432 यूनिट फॉर 30 डेज तो ये आ गया 1. टोटल यूनिट 288 3.84 यूनिट और 1.296 यूनिट ये आ गया ये टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 339.36 यूनिट टोटल यूनिट का मंथ का खर्चा इतना है तो ध्यान दीजिए वन यूनिट कितने रुपीस का है क्वेश्चन में कहा गया है एक यूनिट 4 रुपीस में है एक यूनिट अगर कितने में है तो 339.36 यूनिट कितने में आएगा तो 339.36 × 4 ये आ गया हमारा रुपीस कितने रुपीस का होगा 4 से क्या कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1357.4 रुपीस मंथ का हमारा बिजली का बिल आएगा वो आएगा 1357
4 रुपीस का हमारा बिल आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो गाइस आप इसको कंसंट्रेट होकर के समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा अगर आता है तो आप क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व कर लें। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो विल कम ऑन टुमारो, और आप इसकी तैयारी करते रहें अच्छे से। थैंक यू गाइस।